हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में आज समाजवादी पार्टी की महिला सेल की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें रुखसाना सैयद जो समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं और आदिल खान, जिबा फालके और तमाम महिला कार्यकर्ता इस समाजवादी पार्टी की महिला मीटिंग में शामिल थे। कई महिला कार्यकर्ताओं को पद भी दिया गया। इसके अलावा मुमरा शहर में तमाम समस्याएं जैसे पानी, बिजली, एजुकेशन के मुद्दे पर रुखसाना सिद्दीकी ने यहाँ की सत्ताधारी पार्टी को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा गोंडी में भी चल रहे एसएमएस कंपनी के बारे में जब रुखसाना सिद्दीकी से सवाल पूछा गया तो एसएमएस कंपनी जिसमें मानव शरीर के अंग जलाए जाते हैं, इससे गोंडी के लोग काफ़ी परेशान हैं। एसएमएस कंपनी पर जवाब देते हुए रुखसाना सिद्दीकी ने कहा, कांग्रेस के वक्त एसएमएस कंपनी लगी थी, उस वक्त आबादी बहुत कम थी, मगर अब आबादी बढ़ गई है। इस कंपनी की वजह से लोगों की उम्र भी काफ़ी कम हो रही है। कंपनी को हटाकर खालापुर में शिफ्टिंग की बात तो रुखसाना सिद्दीकी ने की है, मगर ये कब तक होगा इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात ये सच है कि एसएमएस कंपनी से गोवेंडी के रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। इस महिला मीटिंग में क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है रुखसाना सिद्दीकी ने, सुनिए। आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से महिलाओं के लिए क्या कार्यक्रम रखा गया था और जो मुमरा की महिलाएं इसमें शामिल हुई है, कितनी महिलाओं को क्या क्या प्रावधान दिया गया? आज यहाँ पर हमारी बहन जेबा जो यहाँ पे नई अध्यक्ष बनी है, उन्होंने महिलाओं की मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें महिलाओं को जोड़ने का काम किया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सामने से बहुत सारी महिलाएं आई और उन्होंने पोस्ट लिया, और मैं समझती हूँ जो खुद से काम करने की इच्छा रखता है वो बहुत अच्छा मुमरा के लिए काम कर सकते हैं। मुमरा शहर के ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं जिसपे समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पीछे छूट, खैर आप लोग तो महिला से है, तो आप लोग महिला क्षेत्र में लेकर तो महिलाओं को किस तरह से जो है आगे, मुमरा मैं समझती हूँ आज आप देखेंगे तो एक गांव खेड़े की मानिंद दिखता है, जबकि इसको एक बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। और इन्हीं सारी वजूहात की वजह से यहाँ के लोग मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं हताश हो चुके हैं, सारे जितने लोकल जो नेता हैं उन लोगों को बोल बोल कर। अब उन लोगों को भी दिखता है कि समाजवादी पार्टी एक ही विकल्प है जिसमें जाने के बाद हमारा काम होगा, क्योंकि गवंडी हमारे सामने एक जीता जाता मिसाल है। गवंडी में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, यकीन जानना आप जाके देखिए, अगर मैं नेता हूँ अपने एरिया की तारीफ कर रही हूँ इसलिए नहीं, लेकिन आप जाके देखिए वहाँ का बदलाव देखिए, और उससे बहुत पहले से मुमरा का काम बहुत अच्छा हो जाना चाहिए था। लेकिन आज देखिए कि लोगों को रहने की जो भी सुविधा है, एकदम मामूली सुविधा, यहाँ पर मैं देखती हूँ ना पानी ठीक आता है, ना यहाँ पर लाइट ठीक आती है, ना यहाँ के सड़क के गड्ढे, ना नाली, ना गटर, ना एजुकेशन। तो 10-10, 15-15 साल से यहाँ के नेता आखिर कर क्या रहे? तो बार बार जो है गोविंदी के मिसाल में एक एसएमएस कंपनी, बिल्कुल उस कंपनी से वहाँ के लोग काफी परेशान हैं, बच्चों की भी रिपोर्ट है, वहाँ के रहने वालों की जो है उम्र काफी कम हो रही है, आप वहाँ की मिसाल बार बार दे रहे हैं, तो वहाँ के जो एमएलए क्यों नहीं उठ पा रहे, क्यों एकदम खामोश, तंजीमें वहाँ की आवाज उठा रही है पब्लिक ने, तो फिर आप सुनिए मीडिया बंधु, फिर आप लोगों को जानकारी थोड़ी गलत है। जब आपको पता है कि उसने आवाज उठाई, मैं 11 दिन जेल में रहकर आई एसएमएस कंपनी के लिए, कितने लोगों को पता है? तो आप मेरे वार्ड में है वो, सुनिए। अरे सर, 11 दिन एक औरत का किसी जेल में रहना और केस बना के लेना कोई मामूली बात समझ रहे हैं आप लोग? आंदोलन किया, जब से जीते जब से आंदोलन कर रहे कंटिन्यू, 11 दिन हम लोग 11 लोग जेल में रहे, क्योंकि एक सुनिए ऑफिसर, हमने उसको क्लोजिंग लेटर लाए जो इसमें मंत्री थे अपने रामदास कदम जी, उनसे हम लोगों ने क्लोजिंग लेटर लाया, लेकिन एक ऑफिसर ने रिश्वत खा के उस जो क्लोजिंग लेटर था उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के दिया कि एसएमएस कंपनी बंद होगी तो महामारी फैल जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको भी ये समझना पड़ेगा कि एसएमएस कंपनी है क्या। एसएमएस कंपनी वो है, बोलो थोड़ी देर में करो,
एसएमएस कंपनी वो है जो पूरे ऑल ओवर हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है वहाँ जलाया जाता है। अगर हॉस्पिटल का वेस्ट जलाएंगे नहीं तो उसकी हालत क्या होगी, डंपिंग में डम करेंगे तो महामारी फैलेगी। लेकिन उसको हमको बंद नहीं करना है, उसको शिफ्ट करना है। बंद करना होता तो हम लोग ही ले, हाँ तो शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए आपको जानकारी अधूरी है, खालापुर में आदित्य ठाकरे ने खुद अभी हम लोग डे बाय डे उसकी वो ले रहे हैं, कोर्ट में केस भी चल रहा है, खालापुर में शिफ्ट करने का आदित्य ठाकरे ने उसका वो ले लिया निर्णय। और लेकिन ये ऐसे नहीं शिफ्ट होती, कई करोड़ों रुपए की कंपनी है और वो हमने नहीं लगाई थी, कांग्रेस के दौर में कांग्रेस के नेताओं ने लगाई थी जिस वक्त गवंडी का पॉपुलेशन बहुत कम था और वो हटाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन हमने दिन रात उसमें मेहनत की है, पेपर वर्क मेरे पास इतनी बड़ी फाइल है, आज आप देखिए विधानसभा ने सभा में आसिम भाई ने आवाज उठाई और उसके बाद में हमने रोड पे दुनिया भर के मोर्चे किए, 11 दिन जेल में रहे, उस ऑफिसर का मुंह काला किया जिसने रिपोर्ट बनाई थी, उसके बाद जेल में जाके हम 11 दिन बैठे और उसने बहुत खराब कलम हम पे लगाई है। अगर वो कलम का इम्प्लीमेंट हो गया ना तो यकीन जानना कि हम लोग को बहुत खराब सजा लग सकती है। शहर में जो है महिलाएं किस तरह से काम करेंगी? नहीं, इंशाल्लाह एकजुट होकर काम करेंगी, जहाँ तक जो काम नेता कर पाए वेल एंड गुड, अगर जो काम नहीं कर पाए तो हम भी कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक ने जो हाथ पैर दिमाग हम लोगों को भी सोचने को दिया है, एक अगर औरत चाहे तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेगी, और ज्यादा दूर नहीं अपनी फैमिली के लिए तो जरूर कर लेगी, है कि नहीं? और मैं बोलती हूँ कि कोई भी नेता हर घर तक नहीं पहुँच सकता, हमारी कोशिश ये है कि हर घर की महिला एक तो सक्षम होना चाहिए जो अपने एरिया के लिए अपने घर परिवार के लिए लड़ सके और जो सुविधाएं सरकार की है वहां तक पहुंच सके।